Hey guys, ये है Midnight Green 256GB variant iPhone 11 Pro Max, battery health 85%, launch हुआ था 2019 में and latest iOS 16.1.2 पे रन कर रहा है। ये है मेरा iPhone 12 White, 64GB battery health 99%, 2020 में लॉन्च हुआ था और ये भी iOS 16.1.2 पे रन कर रहा है। iPhone 11 Pro Max फ्रॉस्टेड मैट ग्लास बैक के साथ आता है, फ्रेम ग्लॉसी स्टेनलेस स्टील का है, फ्रंट एंड बैक में कस्टम गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एंड iPhone 12 में ग्लॉसी ग्लास बैक मिलेगा, फ्रेम एल्यूमिनियम का है एंड iPhone 12 में जो डिस्प्ले है ना इसको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिलता है जो कि 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है पहले से। दोनों ही iPhones IP68 रेटेड है। 11 Pro Max में 6.5 इंचेस का बिगर डिस्प्ले मिलेगा, बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा है एंड स्टेनलेस स्टील का फ्रेम भी है, तो वेट आपको iPhone 12 से ज्यादा मिलेगा, थोड़ा ज्यादा थिक भी है iPhone 12 से एंड थोड़ा ज्यादा चौड़ा भी है। iPhone 12 को एक हाथ से मैनेज किया जा सकता है लेकिन 11 Pro Max को नहीं, बहुत मुश्किल है। 11 Pro Max में कर्व्ड बैक एंड एजेस मिलेगा एंड iPhone 12 में एकदम फ्लैट बैक और एजेस दोनों। फ्रंट साइड से डिजाइन की अगर बात करो तो नॉच का साइज दोनों iPhones का सेम है बट बेजल्स 11 Pro Max में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मोर लेस दोनों का सेम है। बिग डिस्प्ले में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हमेशा बेटर रहता है बट डिजाइन की अगर बात करो स्लिम बेजल्स के साथ iPhone 12 बेटर दिखता है एंड साथ में फ्लैट बैक और एजेस की वजह से ज्यादा मॉडर्न भी दिखता है, बट हाथों में दोनों iPhones सॉलिड एंड प्रीमियम फील देता है। तो सबसे पहले हम दोनों iPhones को बूट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों iPhones का स्पीड टेस्ट करेंगे, रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, डिस्प्ले स्पीकर और कैमरा भी चेक करेंगे एंड गाइस दोनों iPhones का मैंने बैटरी फुल कर दिया है। वीडियो के एंड में हम दोनों का बैटरी भी चेक करेंगे, इस पूरे टेस्ट में दोनों iPhones कितना बैटरी ड्रॉप करता है। ग्रेट, iPhone 12 पहले बूट हो गया, 15 सेकंड्स लिया बूट होने में एंड 11 Pro Max ने 18 सेकंड्स लिया, 3 सेकंड पीछे रह गया। नाउ बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो दोनों iPhones में फेस आईडी मिल जाएगा एंड iPhone 11 Pro Max 2.5-3 साल पुराना iPhone स्टिल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है दोनों iPhones। नाउ दोनों आईफोन से मैंने सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईफोन 11 प्रो मैक्स में एप्पल का A13 बायोनिक चिप मिलेगा एंड आईफोन 12 में A14 बायोनिक चिप। दोनों ही आईफोन में वैसे 4GB रैम मिलेगा एंड दोनों ही लेटेस्ट iOS 16.1.2 पे रन कर रहा है। डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो दोनों ही आईफोन डे टू डे यूज में बहुत ही सिमिलर लग रहा है, दोनों ही iPhones बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इवन 2.5-3 साल पुराना 11 Pro Max कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ़ोन पुराना हो चुका है। ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि अभी भी बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, बहुत ही स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है। दोनों ही iPhones में टच रिस्पॉन्स हो, स्मूथनेस हो, स्टेबिलिटी हो, 4GB रैम के साथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस हो, इंप्रेसिव है। iPhones को 6-7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाता है, तो अगर आप 11 Pro Max आज के डेट में खरीदते हो ना तब भी 2025 तक आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल जाएगा। बिगर डिस्प्ले एंड बिगर बैटरी का एडवांटेज है इसके पास, बट ये एक 4G फोन है। iPhone 12 का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है 11 Pro Max के ऊपर वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। एक साल कम से कम एक साल सॉफ्टवेयर अपडेट एक्स्ट्रा मिलेगा iPhone 12 को। परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो 11 Pro Max A13 बायोनिक चिप के साथ स्टिल इंप्रेसिव दिख रहा है एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि iPhone 12 ओनली 2-3 मंथ्स ओल्ड है एंड 11 Pro Max 2.5-3 साल पुराना।
वक्त अगर रिजल्ट की बात करूँ, नंबर्स को काउंट करूँ, तो आईफोन 12 विनर है। ज़्यादातर ऐप्स को आईफोन 12 ने पहले लोड किया। नॉर्मल ऐप्स में भी अगर मैं काउंट करूँ तो आईफोन 12 ने टोटल 8 ऐप्स को और 11 प्रो मैक्स ने 4 ऐप्स को पहले लोड किया। एंड गेम्स की बात करूँ तो आईफोन 12 ने टोटल 4 गेम्स पहले ओपन किया और 11 प्रो मैक्स ने ओनली 1 गेम। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों आईफोन्स के बीच में स्पीड टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इवन हेवी गेम्स में भी ओनली 2 गेम में थोड़ा सा पीछे दिखा 11 प्रो मैक्स iPhone 12 से, एंग्री बर्ड में 6 सेकेंड्स और सबवे सर्फर में 3 सेकेंड्स। नाउ मल्टीटास्किंग में देखते हैं रैम मैनेजमेंट में दोनों स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है 4GB रैम के साथ। मल्टीटास्किंग में दोनों ही आईफोन्स का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट था। दोनों ने 4-4 गेम्स को होल्ड करके रखा। लेकिन नॉर्मल ऐप्स की अगर बात करूँ तो 11 प्रो मैक्स बेटर दिखा। टोटल 10 ऐप्स को मैनेज कर लिया बैकग्राउंड में एंड आईफोन 12 ने ओनली 7 ऐप्स को। स्पीड में आईफोन 12 एंड मल्टीटास्किंग में आईफोन 11 प्रो मैक्स। दोनों आईफोन्स को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके दोनों का वाईफाई स्पीड चेक किया एंड अपलोड स्पीड आईफोन 12 का ज़्यादा दिख रहा है एंड डाउनलोड स्पीड iPhone 11 Pro Max का, लेकिन दोनों क्लोज है। नाउ सेम वाईफाई नेटवर्क दोनों आईफोन्स में आप एक सेम गेम इंस्टॉल करके देखते हैं 290 MB के आसपास का स्टॉपवॉच लगाकर। तो iPhone 12 ने 22 सेकंड्स लिया गेम इंस्टॉल करने में। अब देखते हैं iPhone 11 Pro Max कितना टाइम लेता है। ओके, क्लोज था, 24 सेकंड्स लिया सेम गेम को इंस्टॉल करने में, यानी 2 सेकंड पीछे रह गया। नाउ वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। दोनों आईफोन्स में मैंने 2 फाइल्स को ट्रांसफर कर दिया है। अब हम पावर डायरेक्टर ऐप के वजह से वीडियो को रेंडर करके देखेंगे दोनों आईफोन्स कितना टाइम लेता है। सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, दोनों ही आईफोन्स में हम 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियो एडिट करेंगे क्योंकि 4K जो है ना वो बेटर सर्विस है, बेटर रहेगा, बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट 60 FPS। तो दोनों क्लोज चल रहा है, बट मुझे लगता है कि इस बार 11 प्रो मैक्स थोड़ा सा आगे निकल जाने वाला है। एंड आगे निकल गया, 2 मिनट 11 सेकंड्स लिया टास्क कंप्लीट करने में, वीडियो को रेंडर कर दिया। एंड आईफोन 12 ने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 2 मिनट 20 सेकंड्स में टास्क कंप्लीट किया। ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन का गीकबेंच स्कोर, सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर आईफोन 12 का ज़्यादा दिख रहा है। अब गाइस डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। आईफोन 11 प्रो मैक्स में 6.5 इंचेस का XDR OLED डिस्प्ले मिल जाएगा एंड आईफोन 12 में 6.1 इंचेस का XDR OLED डिस्प्ले, बट दोनों में 60 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। दोनों ही आईफोन्स का डिस्प्ले HDR 10 एंड डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है एंड दोनों ही आईफोन्स में पीक ब्राइटनेस जो है ना HDR कंटेंट देखते वक्त आपको 1200 निट्स मिल जाएगा। नॉच का साइज दोनों ही आईफोन्स में सेम मिलेगा, बेजल 11 प्रो मैक्स का थोड़ा सा बड़ा है एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करूँ तो 11 प्रो मैक्स का थोड़ा सा कम है, लेकिन मोरलेस आप कह सकते हो कि दोनों में सेम है एंड जो PPI डेंसिटी है ना वो भी दोनों आईफोन्स में आपको सेम मिलेगा। डिस्प्ले दोनों ही आईफोन्स का गॉर्जियस लगता है, कलर्स ब्यूटीफुल है, ट्रू टू लाइफ है, डिस्प्ले शार्प है दोनों ही आईफोन्स का एंड व्यू एंगल ग्रेट। जो डीप ब्लैक कलर है ना वो भी दोनों ही आईफोन्स में मस्त दिखता है। आउटडोर में विजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो दोनों ही आईफोन्स में अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, लेकिन 11 प्रो मैक्स में 800 निट्स के साथ एकदम हार्श डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। साइज तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिलता है ना 11 प्रो मैक्स में, उसके लिए मैं पिक करूंगा डिस्प्ले के लिए 11 प्रो मैक्स। नाउ स्पीकर की अगर बात करूँ तो दोनों ही आईफोन्स का स्टीरियो स्पीकर बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉलिड है, एकदम क्लियर रिच साउंड प्रोड्यूस करता है ग्रेट बेस के साथ एंड दोनों का स्पीकर लाउड भी है। सारे टेस्ट के बाद iPhone 11 Pro Max में 4% बैटरी ड्रॉप हुआ है एंड iPhone 12 में 6%। iPhone 11 Pro Max में 158 mAh बैटरी यूज हुआ है इतने सारे टेस्ट के बाद और iPhone 12 में 168 mAh मोर लेस। नाउ कैमराज, iPhone 11 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, मेन 12 MP का, दूसरा वाला 12 MP का टेलीफोटो लेंस और तीसरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस। एंड आईफोन 12 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, मेन 12 MP का और साथ में 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस। दोनों ही आईफोन्स में आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एंड दोनों ही आईफोन्स के सारे कैमरा से सारे लेंसेज से आप
4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 11 प्रो मैक्स में आपको टेलीफोटो लेंस मिल रहा है यानी 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा एंड iPhone 12 में HDR Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाएगा। यानी दोनों ही iPhones के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। दोनों ही iPhone से आप डे लाइट में अच्छे शॉट्स ले सकते हो, नॉर्मल लेंस हो या फिर वाइड एंगल लेंस हो, दोनों iPhones का जो रिजल्ट है वो काफी सिमिलर दिखेगा। बट लो लाइट फोटोग्राफी या नाइट फोटोग्राफी की अगर बात करूँ तो आईफोन 12 मुझे बेटर लगा, नॉर्मल शॉट्स में भी और वाइड एंगल शॉट्स में भी स्लाइटली 11 प्रो मैक्स से। नाउ 40,000 रुपीज के आसपास अगर आपका बजट है तो आपको आईफोन 12 अंडर वारंटी मिल सकता है, 128 GB भी मिल सकता है, बट 11 प्रो मैक्स आपको नहीं मिलेगा अंडर वारंटी में इस प्राइस में। आईफोन 12 एक 5G फोन है एंड कम से कम एटलीस्ट एक साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और साथ में थोड़ा बेटर बिल्ड और डिजाइन भी ऑफर करता है आईफोन 12। 11 प्रो मैक्स आज के डेट में लेने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मुझे तीन दिखता है, एक बिगर डिस्प्ले, दूसरा बिगर बैटरी और तीसरा तीन कैमरास, टेलीफोटो लेंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक छोटा सा और एडवांटेज मिल सकता है आपको अंडर 40,000 रुपीज में 256 GB वेरियंट मिल सकता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर हुआ होगा डिसाइड करने में कि कौन सा आईफोन आपके लिए सही रहेगा। बाकी अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने में अच्छा लगता है, इस तरह के वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।